Assalamualaikum everyone, welcome to a brand new vlog. वैसे आज का जो vlog है सडनली vlog है, मेरे 7 बजे फीस की कॉल आई। वैसे हमारा प्लान तो बन रहा था स्वाद का, मार्च की तरफ जाने का और उधर एक्सप्लोर करने का, लेकिन फिर वो प्लान थोड़ा कैंसिल हो गया बीच में, ये कुछ लोग जा नहीं रहे थे। लेकिन सुबह जब मैं नमाज के बाद थोड़ा सा सोने की कोशिश कर रहा था तो अभी इसकी कॉल आ गई कि हम लोग इधर शुक्रान जा रहे हैं मेरे कज़न के साथ आए हुए। तो मैंने कहा क्यों ना, मैं तो ऑलवेज रेडी रहता हूँ एडवेंचर्स के लिए। वैसे जिस जगह जगह जा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर तो मैं पहले गया हूँ, लेकिन बोलते ना कि डिफरेंट लोग डिफरेंट मेरे सारा एक्सपीरियंस होगा। सो इस दफ़ा हमारे साथ हफीज़ के अबू भी है, हफीज़ है, उसके 2 कज़न हैं और रिजवान है। जमशेद कहीं और का मतलब कहीं और चला गया। सो अभी हम जरा रास्ते में रुके, यहाँ पर नया वाटरफॉल हफीज़ ने दरियाफ़्त किया, तो अभी आपको वो दिखा देता हूँ, उसकी तरफ जा रहे हैं। सो आपको अभी दिखाते हैं। हालांकि ये तो थोड़ी ह्यूमन लिमिटेड चीज़ है, या पीछे देख सकते हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये वाटरफॉल देखेंगे। सो लेट्स गो। सो फाइनली हफीज़ ने जो वाटरफॉल दरियाफ़्त किया था उधर आगे, हफीज़ बताएंगे इसके बारे में। आप देखिए ये एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अच्छा इसकी लोकेशन तो बताए, लोकेशन हम सीक्रेट पे रख रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ ये तो है, वरना हमारा एक दोस्त है उधर पहुंच जाएगा और हमारा सारा व्यूवरशिप ले जाएगा। सब अभी ज़रा नज़दीक जाके इसके शॉट लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हम लोगों ने ये सटन वाटरफॉल देख लिया। मैं ज़रा मुँह भी धो लिया, मैंने कहा फ्रेश हो जाऊँ, और अभी हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और आपको लोकेशन रिवील नहीं करूँगा, वो मैं आपको उधर पहुँच के ही बताऊँगा। सो स्टे विद अस, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी करें। दुनिया सुधर जाएगी लेकिन ये बंदा नहीं सुधर सकता। फूल जगह पड़ गया, खाने पीने का सामान रखे हुए सारे, मैं इधर लेट गया पूरा। शुक्रान का रास्ता भी यहाँ पर रुके हुए और वो खा पानी भरे और गाड़ी को कूल डाउन किए। सो अभी हम एक स्टॉप पे रुके, वहाँ पे हम जरा फ्रेश वगैरह होते हैं, वॉशरूम अटेंड करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, जो कि उसके बाद फिर कंटेंट करें। वैसे मैं ज़रा कंटेंट तो नहीं बनाऊँ क्योंकि मैं पहले आया हूँ, तो मैं ज़रा कुछ यूनिक सा कंटेंट बनाऊँगा ड्रोन से और कैमरा से। सो इंशाल्लाह नमाज के बाद हम फिर कंटिन्यू करें। कल चाय का ऑर्डर भी दे दिया, तो हम चाय वगैरह भी पियेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सो पहले नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है लोकल, आप देख सकते हैं, इधर मैंने अभी नमाज पढ़ी है। और ये आप इधर से व्यू चेक करें। पीछे जो मैंने देख रही है नमाज पढ़ने की जगह, ऐसा जगह बननी चाहिए ताकि वरना सुकून से नमाज पढ़ सके साफ सुथरा। सो हम लोगों ने नमाज वगैरह पढ़ ली, अभी वापस नीचे जाते हैं, हमारी चाय भी रेडी हो गई तो चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हफीज़ लोग और दुशान भाई और रिजवान तो उधर पता नहीं, छोटे से लेक के पास गंदे पानी के लेक के साथ पिक्चर ले रहे हैं। सो हम लोग जरा थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम ऊपर इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट बनाएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और आप नए चैनल पर, तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आप वीडियो मिस ना कर सकें। सो इंशाल्लाह अच्छे अच्छे ब्लॉग आते हैं, तो टाइम बाद आते रहेंगे, लेकिन यू विल एंजॉय इट, सो स्टे ट्यून्ड।
फाइनली हम लोग पहुंच गए पाए और इधर फिर से ह्यूमनली मेड चीज़ें आ गई जिनको सहना पड़ता है। और ऋषान भाई अपना फ़ोन निकालते हुए और मुझे ठहराते हुए फिंगर तो नहीं क्या? नहीं मैं इतना अफोर्ड कर सकता। यहाँ पर बस एक स्विंग था, अगर वो दोबारा हुआ तो उसमें बैठ के ज़रा वीडियोस बनाते और मज़े ही मज़े। मौसम अच्छा होता जा रहा है, मुझे लगा सूरज होगा, लेकिन यहाँ पर वैसे इस स्विंग के साथ बचपन की यादें ताज़ा हो गई हसन भाई की, और हम उसके लिए क्लिप बनाएंगे हसन भाई का। ये हसन भाई को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन हसन भाई इंजॉय करें। लेकिन ये लोग आपको डराएंगे इसलिए खुद ही रुक जाए। सुबह हम तो स्विंग पे बैठे नहीं, लेकिन हसन भाई ने मुफ्त का एंजॉय किया। मेरे आते आते बंदा आ गया। और भाई यहाँ पर फॉग भी आने वाला है, जिसका मैं शदीद फैन हूँ। तो अभी पहले तरफ पाई की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, उसके बाद फिर हम ड्रोन शॉट्स लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा पाकिस्तान के झंडे झंडे। सो अभी वैसे इस दफ़ा सांस तो नहीं खुली क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा और एक्टिव हो गया हूँ। या आप नीचे चेक करें, मेरे फॉग ही फॉग है। फॉग वेदर के बारे में मेरा तो फेवरेट है, आप बताएं। मेरा भी फेवरेट है। अच्छा, किस वजह से? पता? अच्छा, ऐसे निशान भाई आपका क्या कहना है? यार पहली बार देख रहे हैं आपका फॉग? पहली बार देख रहे हैं? नहीं पहली बार देख रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा होता फॉग वाला। हसन भाई आपको क्या कहना है? फ्री स्विंग एंजॉय करके और यहाँ पर फॉग, फॉग पहली बार देख रहे हैं? नहीं फॉग आप पहली बार देख रहे हैं? पहले भी देखा है? नहीं पहले देखा है मैंने कभी, जबा मैंने। अच्छा अच्छा, मतलब आप एडवेंचरस पर्सन हैं। ये व्यू बहुत अच्छा है। अच्छा, सेम यार, मुझे आई लव फॉग। सो यकीन करें टाइम टू टाइम मौसम इतना खूबसूरत होता जा रहा है कि बंदे का दिल ही नहीं भरता। एस डी कार्ड तो फिल हो जाते सारे, लेकिन दिल नहीं भरता। और फॉगी वेदर हो तो भाई मेरा तो नहीं भरता दिल। सो पता नहीं ये पी पी कर रहे हैं क्या हो रहा है ड्रोन को, लास्ट मोमेंट से इसका मेरे पास, उसके बाद पता नहीं किसके हाथ होगा। सो आप ये इधर से ये चेक करें सर। अच्छा, जब आप अकेले होते हैं तो फिर आप प्रॉपर ड्रोन शॉट और कंटेंट नहीं बना पाते, क्योंकि आपके जो अनसपोर्टिव दोस्त हैं वो तो आगे चले जाते हैं।
बस मैंने कुछ शॉर्ट लिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अभी हम वापस ही कर रहे हैं क्योंकि अभी अंधेरा हो जाएगा और आपने तो रास्ता शुरुआत में देख लिया कितना ख़राब है, फिर रात को थोड़ा सा और डेंजरस हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सी इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह पामान। आपकी हिम्मत है एक घंटे ज्यादा हो। Allah Allah।